जैसा कि हमारे पाकिस्तान में हुकूमत ने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं। आप देख सकते हैं कि WHO ने भी उन्हें कमेंट किया है उनके जो इकदाम है उसमें, और उन्हें कहा है कि दुनिया में वो चंद ममालिक ने ऐसे इकदाम किए हैं। तो हमारी पाकिस्तानी अवाम असल में किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेती जब तक कि वो सर के ऊपर से गुजर ना जाए। तो इस प्रोग्राम के तवसत से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और जो इस वक्त पूरी दुनिया में सूरत हाल जा रही है पाकिस्तान में भी अगर ये आ जाता है तो ये बहुत पीक पर जाएगा। तो इसलिए जो अभी हमने डिस्कशन की, डॉक्टर साहब ने भी जैसे बताया कि हम बीइंग अ मुस्लिम पाकिस्तानी, हमारे मुसलमानों की मेजोरिटी है, हमारे लिए ये गोल्डन चांस है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है। अगर आप में इस तरह की कोई अलामत आती हैं, सबसे पहले तो एहतियात करें, जो हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कशन की वो सारी एहतियात करें। अगर आप में ये अलामत आती हैं तो आप इसे भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान समझें, और 3 हर्फ पढ़ के इतकाफ के 7 दिन के लिए इतकाफ में चले जाएं, अपनी इबादत करें, अल्लाह को याद करें, साफ सुथरे रहें। अगर उसके बाद भी अलामत बरकरार रहती हैं फिर अपने डॉक्टर से रजू करें, और ताकि आपका बर वक्त इलाज हो सके। इसके साथ साथ क्योंकि ये जो वायरस है इससे लड़ाई सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम ने करनी है, आपकी बॉडी ने इससे लड़ना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, विटामिन सी का भी हमने सुना था कि ऐसे फल जिसमें विटामिन सी है वो ज्यादा यूज करें, कोशिश करें एक्टिव रहने की, एक्सरसाइज करें और अपनी स्लीपिंग हैबिट को बेहतर करें। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।